हेलो जी, तो स्वागत है आप लोगों को एक और ब्रांड न्यू सेटअप ट्यूटोरियल में। और इस वीडियो में जो भी दिखाया जाएगा आप लोगों की औकात की बाहर में है, कृपया करके पेरेंट्स से मांगने की जिद ना करे, नहीं तो मम्मी की झाड़ू और पापा की डंडे एक भी नीचे नहीं गिरेगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो ये है मेरा ड्रॉइंग टेबल जो कि बहुत बड़ा, लंबा और भारी है। क्यों? क्योंकि मुझे इसके ऊपर ड्राइंग्स की सामान रखना था, टेबल के ऊपर ट्राइपॉड रखना था एंड या ड्राइंग भी करना था, और ट्राइपॉड ना हिले इसलिए इसको भारी भी करना था। और नीचे यहाँ पर गुप्त सामान रखता हूँ, अभी वीडियो कर रहा हूँ इसलिए कुछ नहीं है। और टेबल के ऊपर मैं व्हाइट कलर की बैकड्रॉप यूज करता हूँ स्पेशली डार्क ड्राइंग के लिए, और उसके नीचे ब्लैक कलर की वॉलपेपर यूज करता हूँ स्पेशली लाइट कलर की ड्राइंग के लिए। और ये है मेरा सस्ता चेयर जिसको मैं डाइनिंग टेबल से उठाकर यहाँ पर यूज करता हूँ। और ये है मेरा बड़ा सा एक सूरज मामा, अब कोर्स लाइट के लिए यूज करता हूँ, और इसको मैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो फुल पावर में यूज करता हूँ। और बुरी बात ये है कि इसको खड़ा करने के लिए एक डंडा भी चाहिए जो एक्स्ट्रा पैसा। और इसके ऑपोजिट साइड में एक चंदा मामा यूज करता हूँ, और इसके ऊपर भी एक चंदा मामा यूज करता हूँ क्योंकि लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मेरा ब्रांड न्यू ट्राइपॉड जिसकी मॉडल नंबर आप लोग क्लियरली देख सकते हो। और इसकी स्पेशल बात ये कि इसके गर्दन इस तरीके से निकल के कहीं पर भी घुमा सकते हैं, और इसके गर्दन की एंड में एक और गर्दन है, बेसिकली एक बॉल हेड है, तो इसको कहीं पर भी किसी भी एंगल पर आप लोग घुमा के इस तरीके से सेट कर सकते हो। एंड या इसके ऊपर मैं एक मोबाइल होल्डर का भी यूज किया हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ, मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। एंड साइड एंगल से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं ट्राइपॉड को इस तरीके से यूज करता हूँ। और ये मेरा पुराना ट्राइपॉड जिसको मैं फेंक दिया था, फिर से पता नहीं कैसे आ गया, सॉरी, इसको मैं साइड एंगल के लिए यूज करता हूँ। और ये मेरे सामने की वॉल जिसके ऊपर मेरे कुछ फेवरेट ड्राइंग्स चिपकाया हूँ, तो थोड़ा सा मजा लो इसको देखकर। और ये हम लोगों की जब 100 के हुआ था तब मैं इसको चिपकाया था। और बाकी ड्राइंग टेबल के ऊपर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो कुछ कलर से, कुछ ड्राइंग्स की पेपर से, और कलर प्लेट है, बुद्धदेव की पेंटिंग है, और ये दो डब्बा एट्रिलिक कलर की, क्योंकि मैं व्हाइट कलर ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसलिए मैं दो डब्बे खरीद लिया। और ये पेंटिंग करने की ग्लास है, और ये कुछ ब्रशेस है, और ये कुछ पेंसिल से, और ये हमारा प्यारा सा सिल्वर प्ले बटन, और ये प्यारा सा पौधा है जिसको मैं अमेजोन से खरीदा हूँ। बाय द वे, जो भी मैं अमेजोन से परचेस किया हूँ सबकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी अगर घर में किसी को डंड पड़े तो मुझे बोलना। और हाँ, ये मेरा बोया की माइक है जो कि मैं वॉइस ओवर करने के लिए यूज करता हूँ जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। और ये मेरा सैमसंग की हेडफोन जो कि मैं ड्राइंग करने के टाइम म्यूजिक सुनने के लिए यूज करता हूँ। और ये स्केल तो यही कुछ था मेरे ड्राइंग टेबल के ऊपर, और अभी रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। और ये ड्राइंग टेबल की तीनों तरफ मैं नील कलर की लाइट लगाया हूँ क्योंकि नील रंग छिलो भीषण प्रिय ताई सब किछु मिलिए दिल। और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं ब्लैक कलर की एप्पल यूज करता हूँ, क्या मतलब मैं एक किडनी से जी रहा हूँ। और वीडियो एडिट करने के लिए मैं काइनमास्टर का यूज करता हूँ, तो जी हाँ सब कुछ मैं मोबाइल से ही करता हूँ। और अभी आप लोग फुल घर की हाल देखो, और यहाँ पर मैं रात की थकान दिन में निकलता हूँ। बाकी यहाँ पर कुछ आर्ट वर्क्स, और अलमारी के ऊपर कुछ आर्ट मटेरियल्स, और नीचे यहाँ पर मेरा पुराना वाला टेबल जो कि मैं पहले यूज़ करता था ड्राइंग वीडियोस के लिए। और यहाँ पर यूट्यूब की कुछ अचीवमेंट्स और कुछ गोल्स, और यहाँ पर कुछ आर्ट वर्क्स। तो यही कुछ था मेरे ट्यूटोरियल में, तो जाओ अभी निकलो। रुको, यू नो व्हाट, आई लव यू गाइस, दिल से सच्ची में बहुत प्यार करता हूँ।